पेज नंबर 39 2.4.4 इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो हम लोगों को सरफेस टेंशन पे इम्प्यूरिटीज का क्या फ़र्क पड़ता है हमको वो देखना है, उसके बाद टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है फिर वो देखेंगे। सबसे पहला इम्प्यूरिटीज, इसके अंदर तीन पॉइंट दिया हुआ है, इसको एकदम ईजीली याद रख सकते हैं। देखो सॉल्यूबल, दूसरा है पार्शियली सॉल्यूबल, ठीक है, और तीसरा होता है इनसॉल्यूबल। यही वो तीन कंडीशन है जिसके बेस पर उसने तीन पॉइंट दिया हुआ है फॉर इम्प्योरिटीज, ठीक है। सॉल्यूबल के अंदर याद रखो सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। सॉल्यूबल कोई भी चीज़ जैसे नमक या शक्कर पूरी तरह से घुल जाती है, अगर घुल जाती है तो वो पानी का यानी कि लिक्विड का सरफेस टेंशन को इंक्रीज करेगा, समझ में आया। बाद में पार्शियल हो या इनसॉल्यूबल हो वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगा। प्लीज ये याद रखो, खत्म शॉर्टकट में। तुम लोगों को समझा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस टेंशन पे इम्प्योरिटीज का क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग को क्या बोलना है, देखो इम्प्योरिटीज मतलब क्या, मतलब जो मॉलिक्यूल्स वाटर के नहीं है वो उसमें अगर मिक्स कर दिए जाए उसको बोलेंगे इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज़ में वो पार्टिकल जो पूरी तरह से घुल जाते हैं तो वो सॉल्यूबल पार्टिकल्स रह गए। अगर कोई चीज़ पूरी तरह से घुल जाती है तो वो उसके सरफेस टेंशन को इंक्रीज करती है। पार्शियली वाले में क्या करेंगे कि पूरी तरह से वो, मतलब समझ गए ना, घुलेगा पूरी तरह से नहीं घुलेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। वहाँ पर एग्जांपल दिया कौन सा मटेरियल पूरी तरह से नहीं घुलेगा, और इनसॉल्यूबल के लिए भी क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। इतना समझा। अब तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यह हटा दूँ। सरफेस टेंशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन के ऊपर किसका, टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है ये हम लोगों को देखना है। देखो पहली कंडीशन दिया हुआ है इफ़, अच्छा नहीं एक ही कंडीशन दिया हुआ है सॉरी, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला है कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड क्या करते हैं, जैसा जैसा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसा वैसा सरफेस टेंशन डिक्रीज होती जाएगी। ये टेम्परेचर लिखता हूँ मतलब टी फॉर सरफेस टेंशन ना समझे, ठीक है। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता जाएगा। इतना समझा, ठीक है। लेकिन अभी देखो आगे कंडीशन दिया हुआ है उसने के मोल्टन यानी पिघला हुआ कॉपर, कॉपर मतलब क्या, वो तांबा, आजकल सब लोग कॉपर की बॉटल में पानी पी रहे हैं, गोल्डन कलर की जो दिखती है कॉपर, और दूसरा क्या बोला गया, मोल्टन कैडमियम। तो ये दोनों का जो है उल्टा है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना सरफेस टेंशन उनका इंक्रीज होगा। किसका, मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम के टाइम पे जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना ही सरफेस टेंशन भी उसका इंक्रीज होगा, या जितना टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उतना सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। ये दो का, ये कंडीशन किसके लिए है, कैडमियम के लिए है एंड कॉपर के लिए। तो याद रखो सरफेस टेंशन पे इम्प्यूरिटीज एंड टेम्परेचर से रिलेटेड हम लोगों ने देखे। इम्प्यूरिटी में क्या देखे हम लोगों ने कि कम्प्लीटली सॉल्यूबल अगर रहा तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सरफेस टेंशन। पार्शियली सॉल्यूबल एंड इनकम्प्लीटली सॉल्यूबल वाला जो है डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन। अब रिगार्डिंग टेम्परेचर ज़्यादातर सॉलिड लिक्विड का जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन, मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन उतना डिक्रीज होगा। लेकिन पिघला हुआ कैडमियम एंड पिघला हुआ कॉपर ये लोगों में टेम्परेचर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना समझ गया, ठीक है। लेकिन नीचे देखो एक क्रिटिकल टेम्परेचर करके कुछ बोला है, लास्ट लाइन, वेरी लास्ट लाइन, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर जो स्टेट के, स्टेट मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड और गैस, किसी भी स्टेट के, ध्यान से सुनो, स्टेट के
अंदर चेंजेस नहीं ला सकता या उसका स्टेट चेंज नहीं कर सकता, समझा? मिसाल के तौर पर मैंने बर्फ़ लिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या बनेगा? पानी, मतलब स्टेट चेंज हुआ, अभी भी क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं आया। अब पानी को मैंने बॉइल किया, मैंने गर्म किया, वेपर, स्टेट चेंज हुआ, अभी भी क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं आया। अब मैंने वेपर को मैंने हीट किया, वेपर क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसा टेम्परेचर जो स्टेट को चेंज नहीं करता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो वो हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया, अब नेक्स्ट एंड द लास्ट, बस इतना पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। 2.4.5 एक्सेस प्रेशर अक्रॉस फ्री सरफेस, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाता है, ज़रा ध्यान से देखो, हाँ ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एक्सेस प्रेशर, ये जो सरफेस होता है ना किसी भी लिक्विड का, ये कंटेनर के अंदर है, किसी भी लिक्विड का जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक्सेस प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, एकदम इजी है, यानी कि इसके ऊपर अगर हम लोग प्रेशर मारेंगे सरफेस के ऊपर, या हम ऐसा बोलेंगे कि अगर कोई कॉनकेव है तो उसके ऊपर कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, या अगर कॉनवेक्स है, या अपने लिए कॉनवेक्स है तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, और अगर देर इज़ नो कॉन्वेक्सिटी और क्या बोलते हैं कॉनकेविटी, तो उस टाइम पे कौन सा प्रेशर ज़्यादा है या नहीं है, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बेस्ट एग्जांपल। अब सपोज करो ये एक चीज़ है, ठीक है। अभी देखो अगर मैं इसको ऐसा सीधा रखाऊँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर और नीचे से पड़ने वाला प्रेशर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसलिए देर इज़ नो चेंज इन द शेप, यानी कि इसने एंगल बनाया ही नहीं, ना कॉनकेव बनाया ना कॉनवेक्स, समझ गया? यानी अरे समझा कि नहीं, यानी कि सिल्वर के बर्तन में पानी को डालेंगे तो ये स्टेट मिलेगा हम लोगों को, इसका मतलब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, इतना समझा? अब दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन एकदम ईजी है। अभी एक बात बताओ, मैं इसको अगर ऊपर से दबाता हूँ तो क्या होएगा, तुमको देख रहे हो कॉनकेव, इसका मतलब जब कॉनकेव है तो ऊपर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, सिंपल है ना, सिंपल सिंपल। अब मैं इसको नीचे से प्रेशर लगा रहा हूँ, अब लगा नहीं सकता हूँ तो ऐसा आएगा, कुछ समझा? यानी कि अगर मर्क्यूरी ऐसा होता है ज़्यादातर, बराबर है, इसका मतलब उसके इंटरनल प्रेशर ज़्यादा रहता है अपने एटमोस्फेरिक प्रेशर से, समझ में आया? और पानी को जब ग्लास में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव बनेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, ऐसा बताया जा रहा, कुछ समझ में आ रहा है? यानी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर की ज़्यादा बात हो रही है, तुम लोग को समझ रहे कि नहीं समझ? इजी है, इजी है, इजी है। तो देखो यहाँ पर तीन कंडीशन दिया हुआ है, सबसे पहला क्या है, प्लेन लिक्विड सरफेस। प्लेन लिक्विड सरफेस कब होगा, जब डेफिनेट, देखो अभी यहाँ पर देखो, हाँ यह डायग्राम बनाया, ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और इसके अंदर ये पानी है, ठीक है। यहाँ से जो प्रेशर पड़ रहा है या फोर्स पड़ रहा है, सपोज करो मैं उसको बोलता हूँ ए, फोर्स बाय एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्या, प्रेशर या फोर्स L बाय लिक्विड, बाय लिक्विड। और यहाँ पर देखो एफ टी दिया हुआ है, इधर पे फोर्स एफ टी दिया हुआ है ना रे, मतलब क्या, सरफेस टेंशन का फोर्स, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का फोर्स है, सरफेस टेंशन का फोर्स बोल रहा है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि सरफेस टेंशन का फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, राइट वाला लेफ्ट को कट कर रहा है, तो वो लाइट ऊपर का एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा नहीं है, यानी इक्वल है टू विद द लिक्विड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुम लोग समझ रहे हैं कि क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या हो जाता है, अगर हम लोगों ने ये कंटेनर लिए, इसके अंदर जो लिक्विड है वो कैसा है, कॉनवेक्स है। क्या हो जा रहा है यहाँ पर, ज़रा ध्यान दो, इधर पे कॉनवेक्स बना है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, देखो हाँ इंटरनल फोर्स है, उसको क्या बोलेंगे अपन, फोर्स अप्लाइड बाय
लिक्विड, एक फोर्स है एटमॉस्फेरिक फोर्स जो ये है। अब देखो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का भी है ना, देखो ना एफ टी बताया उसने। अब देखो सरफेस टेंशन कैसा जा रहा है, देखो एक जा रहा है इधर पर, एक जा रहा है इधर पर, तो मैं क्या मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ कि दो वेक्टर जा रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है ये टी है ना, ये टी है, तो याद रखो ये जो है रिजल्टेंट टेंशन फोर्स जो है वो थोड़ा सा अंदर जाएगा, तो ये टी रहेगा और ये एल है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए तुम लोग, कुछ समझा? ये तो तुम लोग समझ गए, फोर्स अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड, अंदर का लिक्विड अपर लेयर को भी फोर्स मारते रह रहा है, इतना समझ गए, टेंशन समझ गए। लेकिन ये केव बना है, सॉरी कॉन्वेक्स बना है, तो टेंशन ऐसा जाएगा। तो टेंशन के डायरेक्शन को मैं अगर वेक्टर कंसीडर करूं, तो दो वेक्टर अगर सेम पॉइंट से या सेम ओरिजिन से शुरू हो रहे तो रिजल्टेंट वेक्टर अप्रोक्सीमेटली सेंटर से निकलता है, तो थोड़ा सा टेंशन का फोर्स इधर भी आएगा। समझ में आया? जिस वजह से क्या हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, एफ फोर्स बाय लिक्विड इज इक्वल टू फोर्स, एक मिनट जाओ, ये ऊपर जा रहा है ना, हाँ, एटमॉस्फेयर प्लस फोर्स टेंशन, ठीक है। तो याद रखो इसके अंदर अभी क्या हो जा रहा है कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, प्लीज़ ये याद रखो, आप लोगों को ऐसा याद रखना है, हाँ, फोर्स ड्यू टू लिक्विड ज़्यादा रहेगा एटमॉस्फेयर से भी और टेंशन से भी। क्यों? ये डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा ये क्या है, ये बकेट है, इसके अंदर लिक्विड है, मगर कैसा लिक्विड है, कॉनकेव लिक्विड है, कॉनकेव, इसका मतलब टेंशन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट टेंशन देखो बाहर की तरफ जाएगा। समझ में आया? तो इधर पे ये हो गया एफ टी, ये हो गया एफ टी, ये हो गया एफ टी, क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला नीचे आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एफ ए मत लिख, एफ ए बहुत गरीबी में लिखा मैंने। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाप रे बाप, एक मिनट, एफ ए एटमॉस्फेरिक वाला प्रेशर विल बी ग्रेटर देन, विल बी ग्रेटर देन, बोलो एफ टी, नहीं रुक जाओ, प्लस एफ एल, बोलो, समझा तुम लोगों को? बस यही समझने का है तुम लोगों को, आपके मेरा बोलने का मकसद क्या है, तो याद रखो ये जो भी शेप बन रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली कैसे बन रहे हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ प्रेशर सरफेस टेंशन के ऊपर पड़ता है या सरफेस ऑफ लिक्विड पे पड़ता है, इसलिए ये प्रेशर ऐसा हो रहा है। समझ में आया? यहाँ पर ये दोनों नलीफाई हो जा रहे हैं, ये फोर्स और ये फोर्स भी नलीफाई हो जा रहे हैं, फोर्स अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर एंड लिक्विड फोर्स दोनों भी नलीफाई हो जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि अंदर का फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इज ग्रेटर देन फोर्स अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर एंड टेंशन वाला फोर्स, इसके अंदर क्या हो जा रहा है कि फोर्स अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर इज ग्रेटर देन क्या, ये टेंशन फोर्स एंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड, बस इतना ही है। इंशाल्लाह कल हम लोग 2.4.6 ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है।